विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह हल्के की ग्राम पंचायत नोरा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। परमार ने सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के विकास की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत के माध्यम से ही होगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपनी पहचान विकास पुरुष एवं विकास महिला के रूप में बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार ने खजाने का मुख विकास और गांव की ओर मोड़ा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जरूरतमंद लोगों का सहयोग और अंत्योदय की भावना से कार्य करने का भी आह्वान किया। परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वर्तमान सरकार आम आदमी की चिंता करने वाली सरकार है, जिसमें आम आदमी के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने हिमाचल के बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये आम आदमी को राहत देने वाला बजट है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए स्वर्ण जयंती संबल योजना आरंभ करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 65 से 69 वर्ष की आयु की वरिष्ठ महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करवाने के लिए 55 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी के लिए शगुन नाम की नई योजना भी आरंभ की जा रही है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के BPL परिवारों की बेटियों के विवाह के समय 31,000 का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना पर भी 50 करोड़ व्यय किए जाएंगे। परमार ने कहा कि लोक निर्माण उपमंडल दीरा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर 27 करोड़ 43 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिसमें विज्ञान भवन राजकीय महाविद्यालय नोरा पर 240 लाख, संपर्क सड़क पंचायत घर नोरा से कठा बस्ती 130 लाख, शंभू महादेव धीमान बस्ती सड़क निर्माण पर 70 लाख, नोरा में स्टेडियम निर्माण पर 15 लाख, नोरा से थालियाल सड़क पर 85 लाख व्यय किए जा रहे हैं। इसके अलावा मिनी सचिवालय धीरा केन 11 करोड़ और ITI रंजू पर 10 करोड़ 81 लाख व्यय किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांव नोरा उठाव सिंचाई योजना के निर्माण पर 2 करोड़ 7 लाख परोर से धीरा तक पुरानी पाइप में बदलने के कार्य पर 60 लाख, उठाव पेयजल योजना चौकी जोन 11 पर 305 लाख, उठाव सिंचाई योजना पुड़वा पर 1 करोड़ 19 लाख तथा उठाव सिंचाई योजना पुड़वा बलोटा के निर्माण पर 75 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। लोगों का धन्यवाद आपने कर दिया होगा और आपने उन सभी का भी धन्यवाद किया होगा, उनसे भी आप मिले होंगे जो प्रतिस्पर्धा में आपके साथ थे, किसी कारण वो रह गए, पिछड़ गए। इसलिए जहां पर हम भगवान का धन्यवाद प्रकट करते हैं, वहां पर हम अपने पंचायत के लोगों का भी हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। वो आपने प्रकट कर दिया होगा, आपने उनसे भी मिल लिया होगा जो आपके साथ चुनाव अभियान में थे, क्योंकि जब चुनाव समाप्त हो गए, आपके जो सचिव हैं उनके साथ संपर्क रखिए। हमारे दोनों विकास खंड के जितने अधिकारी कर्मचारी सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं या अन्य कर्मचारी हैं, वो सुलह विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इसलिए जो मन में एक ज्वाला आपके अंदर है, वो ही ज्वाला हमारे इन पंचायत सेक्रेटरी व पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारियों के जज्बे के रूप में भी जागृत है कि हम सुलह के हर पंचायत में विकास की लोह को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इसलिए टीम की भावना से हम काम करेंगे। आप क्यों जीत करके आए? के रूप में विकास महिला के रूप में, विकास पुरुष के रूप में प्रदान करनी होगी। मैं अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पंचायती राज ऐसा है कि पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है पर करना भी जरूरी है।
इसलिए तन्मयता के साथ आप पंचायती राज को अपने लगन के साथ पढ़िए।